बैक टू माई YouTube चैनल। आज एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। वैसे मेरी वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग ही होती है, लेकिन आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? सब लोग खैरियत से हैं? सब इब्राहिम के मेरा ही नाम आमिर है। आप लोग कह रहे थे कि सामने आइए, मैं सामने आ गया हूँ। मैं शोएब इब्राहिम की एक सच्चाई बताना चाहूँगा आप लोगों को। शोएब इब्राहिम एक ऐसा बंदा है, आप लोग कहते हैं कि जब किसी की डेट हो जाती है तो मिट्टी में जाना चाहिए, ये बंदा किसी की मिट्टी में नहीं आता है, तो शादी बारात फंक्शन में कैसे आ जाएगा? और जो मेरी चार फुप्पियां हैं तो उनको ब्लॉक में तीन फुप्पियों को दिखाया जाता है, एक फुप्पी को नहीं दिखाया जाता। क्यों? वो फुप्पी हमारी गरीब है, ठीक है। शोएब इब्राहिम की कौन लगी? खाला लगी। तो खालों को तीन दिखाता है और एक खाला को नहीं दिखाता है। शोएब इब्राहिम जो बोलता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, उसका जन्म मौदा में हुआ, जिला हमीरपुर, वो बोलता है भोपाल में हुआ। पहला नंबर एक झूठ यहाँ इसका साबित होता है। आप दूसरे झूठ पे जाइए, जब मैं ट्रैक्टर चलाकर जाता हूँ खेत में तो ये बंदा बोलता है जहाँ तक ये नज़र जा रही है ये सब हमारा है। तो वहाँ मैं बोलूँगा शोएब इब्राहिम का कुछ नहीं है, जो भी है ट्रैक्टर खेती हमारा है, और जो हमारी एक बोरिंग है वो खराब हो चुकी है। तो दूसरी बोरिंग में ये बंदा गया, वहाँ पर काची को 1000 रुपये दिया, उसने बोरिंग चालू कर दी। आप लोग ने देखा होगा गन्ना खा रहा है, बोरिंग में मुँह धुल रहा है, भाभी भी मुँह धुल रही है, अमरूद खा रहे हैं, वहाँ अपना शूटिंग वगैरह ये कर रहा है। आप लोगों को मैं ये और दूसरा झूठ हो गया। और मैं आपको तीसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये बंदा ऐसा है कि जो मेरे मामू की डेट हुई थी मीरा रोड में, और ये बंदा कहाँ रहता है? ये भी मीरा रोड में रहता है। मेरे मामू ने इस बंदे को पूरे बॉम्बे में घुमाया, मतलब ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये जब पलकों की छाँव में था तो नाटक में मतलब आता था, रुमाल बांध कर जाता था, मतलब हर चीज़, मतलब मेरे मामू ने इसको बताया। जब मामू की डेट हुई तो ये मीरा रोड से मतलब एक जनाजे का आदमी कंधा दे देता है, उस जनाजे कैसे नहीं, कंधा भी मामू को नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है। और इसकी सच्चाई देख लो, जब इनकी दादी का इंतकाल हुआ तो ये बंदा दादी की मिट्टी में भी नहीं आया। तो आप लोग जो कहा करते हैं ना कि फंक्शन में आ जाए, शादी में आ जाए, बारात में आ जाए, तो नहीं आए। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आप लोग तो पहचान गए होंगे मैं ही आमिर हूँ। मैं इसकी सच्चाई क्यों बताना चाहता हूँ? सच्चाई ये इस बंदे की ही कि ये झूठ मत बोले, ये बंदा झूठ बोलता है, झूठ का साथी नहीं हूँ। इसने मेरे पापा को बोला कि आमिर ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मेरे पापा ने मुझे बेदखल करने के लिए कदम उठा लिया, और हो सकता है कि मुझे कल या परसों में बेदखल कर दें। मुझे बेदखल का कोई शौक नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर देने दो, बेदखल तो ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सच बोला, मैं झूठ का साथी नहीं हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों से बताया, आप लोग कह रहे थे आमिर खुद का यूट्यूब अपना चैनल बनाओ, तुम सामने आओ, मैं नहीं आना चाह रहा था, मुझे मजबूरी आना पड़ा इसकी झूठ से, इस बंदे ने झूठ बोला, इसलिए मैं इसके पास आया और इसको मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग को जैसा अच्छा लगता है आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हो। मैं दोबारा बहुत जल्दी मिलूंगा, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैं और कहना चाहूँगी इन आमिर भाई को कि इतने दिन आप कहाँ थे? वैसे तो आप इनके साथ खुद खेत में गए थे, ट्रैक्टर भी खुद ही आपने चलाया, उनको रेलवे स्टेशन लेने गए, छोड़ने गए, तो इतने दिन कहाँ थे? अभी कुछ हुआ है या ऐसा क्या हुआ है रिसेंटली कि आप उनकी पूरी बातें खुलकर हमारे सामने बता रहे हैं? तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। जैसे कि आपने बोला कि बहुत जल्द आप न्यू वीडियो लेके आएंगे, तो हमें भी आपकी वीडियो का इंतज़ार रहेगा कि और क्या आप बताने वाले हो आप अपनी न्यू वीडियो में। आपको क्या लगता है इनकी वीडियो देखकर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या ये कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, वो भी अपनी बात मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये वही आमिर हैं जो सबा के ब्लॉग में सबा के साथ खेत में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया वो तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आमिर ही हमें बता सकते हैं।